इस वक्त अचानक से दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है कि मुनव्वर फारूकी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का हिस्सा नहीं होगा। आइए इसके बारे में विश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ बात करते हैं कि मुनव्वर फारूकी क्यों खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नहीं जा पाया। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल डेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि मुनव्वर फारूकी जो है वो एक स्टार खिलाड़ी है। लॉकअप जीतने के बाद मुनव्वर फारूकी कुछ ना कुछ कर रहा है। पहले अपने स्टैंड अप कॉमेडी लेकर आता है, फिर उसके बाद बारिश वाला जो सॉन्ग है वो आने वाला है, और अब दोस्तों खतरों के खिलाड़ी में भी वो दिखने वाले हैं। लेकिन ये क्या, मुनव्वर फारूकी तो अभी इंडिया में ही है और वहां पर केप टाउन में शूटिंग शुरू हो चुकी है, प्रोमो रिलीज हो रहे हैं। तो मुनव्वर फारूकी कहाँ है, क्या मुनव्वर फारूकी शो का हिस्सा है या नहीं? दोस्तों काफी पोर्टल्स की तरफ से खबरें आ रही हैं कि मुनव्वर फारूकी शायद हिस्सा नहीं है। वहीं मैं आप लोगों को अपने गुप्तचरों की बात बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में मुनव्वर का जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग जो कि 8 तारीख को रिलीज होने वाला है, और साथ ही साथ मुनव्वर फारूकी का जो वीज़ा का चक्कर है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी पहले जेल जा चुका है, ये बात हम सबको पता है, और जब वो जेल गया उसके बाद मुनव्वर फारूकी के ऊपर जो है होता है ना कि पुलिस थोड़ी सी कड़ी नज़र रखती है, तो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त खबर ये है कि मुनव्वर फारूकी नहीं जा रहा है। जाएगा अगर वाइल्ड कार्ड बन के, मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बताया, अगर वो वाइल्ड कार्ड बन के जाएगा तो जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, राइट? क्योंकि पॉइंट्स खतरों के खिलाड़ी में डे वन से स्टार्ट हो जाते हैं कि इसने ये टास्क किया, ऐसा किया, वैसा किया, इतना ड्यूरेशन था, ये था, ये बात है। तो अब देखते हैं, या तो फिर कलर्स ऐसा करेगा कि मुनव्वर फारूकी को कॉम्पन